नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इससे हतोत्साहित होंगे। देखिए, जो लोग राजनीति करते हैं वो इतना ज्यादा ना कभी उत्साहित होते हैं ना घबराते हैं जितने पत्रकार बंधु होते हैं। आपने आज यहाँ महागठबंधन बना, पूरे देश में आपने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बता दिया। महाराष्ट्र में एक घटना हुई, अब आप नीतीश कुमार को हतोत्साहित बता रहे हैं। कितने लोग बता रहे हैं कि भाजपा में जा रहे हैं। भाई, इतनी तेजी से ब्रेकिंग न्यूज की तरह राजनीति चलती नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जो अभी महागठबंधन की सरकार है इस पर कोई तुरंत खतरा है। जो भी परिवर्तन होगा, अगर होना है तो वो 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है। इससे जुड़ी हुई जो आप लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि जदयू के कुछ लीडर भाजपा में जा सकते हैं, जिसे 2-3 दिन से मैं न्यूज देख रहा हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जदयू के कुछ एमपी या भाजपा के कुछ एमपी या आरजेडी के कुछ एमपी एक दूसरे दल बदल ले या एक दूसरे के संपर्क में है, ये तो चुनाव से पहले होने वाली सामान्य घटना है। क्योंकि हर व्यक्ति को तो टिकट मिलना नहीं है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से आकलन करता है कि वो कैसे जीतेगा और उसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन इससे बिहार की जो राजनीतिक स्थिति अभी है महागठबंधन और एनडीए की, उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन में लोकसभा से पहले नहीं देखता हूं। लेकिन साथ में जिस दिन महागठबंधन बना था उसी दिन मैंने कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में जिस स्वरूप में महागठबंधन है और एनडीए है, इस स्वरूप में चुनाव नहीं होगा। उसका ऑलरेडी वो बात सत्य हो गई, मांझी जी निकल कर बाहर चले गए। तो अगला विधानसभा चुनाव से पहले आज की जो स्थिति है इसमें भी बड़ा बदलाव आएगा, ये आप लिख लीजिए। लेकिन कौन उसमें भागेगा, कौन किधर जाएगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये बात एकदम सत्य है, लिख के दिया जा सकता है कि जो आज राजनीतिक फॉर्मेशन है ये 24 के बाद विधानसभा चुनाव तक बना रहे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। उसमें काफी फेरबदल होगा। राजनीति में एक तरीके से जो बड़े लोग हैं उनका एकाधिकार हो गया है। जिनके बाबूजी पहले से मंत्री विधायक हैं वही लड़के राजनीति में आ सकते हैं, खासकर चुनावी राजनीति में। अगर आप बिहार का आंकड़ा देखिएगा तो आपको लगता है कि कोई विधायक आरजेडी का है, किसी को लगता है कि ये दूसरा विधायक जदयू का है, कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है। लेकिन जितने दल से विधायक और एमपी बने हैं पिछले 30 साल में, सब का नाम अगर आप एक जगह लिखिएगा, एक सूची बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में 1250 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी बना है, दल चाहे कोई भी हो। पहले जो कांग्रेस में था उसी का लड़का आके आरजेडी में राजनीति कर रहा है, जो पहले लालू जी के दौर में लालटेन का राजनीति कर रहा था वो उछल के नीतीश कुमार के साइड आ गया। जब नीतीश कुमार का भाव कम होगा तो भाजपा में चला जाएगा। आपको लगता है कि लालू जी राजनीति परिवार की करते हैं तो आप भाजपा को उठा के देख लीजिए। ये आपको बात समझ में आएगी जो हम आपको बताना चाहते हैं। भाजपा ने अभी अध्यक्ष बनाया है सम्राट चौधरी जी को। अब सम्राट चौधरी के जो बाबूजी थे, बाबूजी हैं शकुनी चौधरी जी, ये पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें मंत्री थे, फिर लालू जी का दौर आया तो लालू जी के भी सरकार में मंत्री थे, उसके बाद जब नीतीश का दौर आया तो नीतीश के भी सरकार में मंत्री थे, साल भर के लिए मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उस सरकार में भी मंत्री थे, और आज जब भाजपा की चलती हुई है तो उसमें भी उन्हीं का लड़का बना है। अगर आपको लग रहा है ये कुशवाहा है इसलिए भाजपा ने बनाया है तो ये बात ठीक नहीं है। अरे भाई, कुशवाहा की पूरे राज्य में कमी थोड़े ना है। तो आप यादव हैं कि पंडित हैं कि कुशवाहा हैं कि मांझी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको किसी बड़े बाप का लड़का होना है, तभी आप पर वो जाति वाली व्यवस्था भी लगेगी।